पे आप देख पाओगे लिखा है कि वर्ल्ड कप वीडियो जो सामने आई है उसको देखकर एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया इंडिया में। लोग चिंतित हैं कि क्या बांग्लादेशी ओवरऑल इंडियन से नफरत करते हैं, क्या एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट कर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी बात करें कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो फ़ज़ा बनी हुई है, अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि यार आप इससे बात ना करें, आप इस पे बात ना करें और आप इस चीज़ को ज़्यादा हवा ना दें। मैं हवा तो नहीं देती, ठीक है। मैं कहती हूँ बस जो सच्ची बात है ना वो उसको करना चाहिए और उस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। अब यहाँ पे आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया को पसंद नहीं करते, इंडिया को डिसलाइक करते हैं। अब ये चीज़ जो है अगर किसी बांग्लादेश इंडियन से सॉरी पूछें तो उनमें से शायद ही कोई सही जवाब दे सके। उनमें से मोस्टली लोग यही कहेंगे कि यार मज़हब की बुनियाद पर जो है बांग्लादेश के लोग हमें पसंद नहीं करते, हम हिंदू हैं इसलिए हम लोगों को बांग्लादेश के लोग जो है डिसलाइक करते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक मुस्लिम कंट्री है तो इसलिए वो मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल बात गलत है। बांग्लादेशियों ने कभी किसी को मज़हब की बुनियाद पे नहीं तोला, बांग्लादेशियों ने कभी किसी से मज़हब की बुनियाद पे मोहब्बत या नफ़रत नहीं की, और इस चीज़ को मज़हब का रंग देना बिल्कुल गलत बात है। अभी मैं आप लोगों के साथ इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट शेयर करूँगी। अब यहाँ पर कुछ हैं जो लोग सही बात भी करते हैं। अभी मैंने ये रिपोर्ट नहीं देखी है, अभी ये मैं आप लोगों से देखूँगी। लेट्स सी ये क्या कह रहे हैं, आखिर बांग्लादेशी इंडिया को पसंद क्यों नहीं करते, कौन सी वजह है, क्या एक वजह है, दो वजह है, या क्या क्या है, वजूहात क्या है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होगी ये। वेल लेट्स सी ये क्या कहते हैं। सो आई एम क्यूरियस कि ये क्या कहते हैं, आखिर इन्होंने कोई सही बात भी की है या नहीं की, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जी लाजमी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाजमी लाइक कर दे। तो चलते हैं जी, देखते हैं वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत वर्मा। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि वर्ल्ड कप वीडियो जो सामने आई है उसको देखकर एक डिबेट सा स्टार्ट हो गया इंडिया में। लोग चिंतित हैं कि क्या बांग्लादेशी ओवरऑल इंडियन से नफरत करते हैं, क्या एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश में। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। किसी और कंट्री के साथ भी एटलीस्ट इन साउथ एशिया इंडिया का उस लेवल का ट्रेड है नहीं। उसके अलावा आप अगर देखें तो बांग्लादेश जब भी कठिनाई में होता है, इनको पैसा चाहिए होता है, इन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो इंडिया इनकी हेल्प को आता है। वैसे आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो लिटरली बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का क्रिटिकल रोल था। इंडिया ने ही आप कह सकते हैं रास्ता बनाया था बांग्लादेश की फॉर्मेशन का, और इंडिया एक्चुअली वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और आज के समय 2023 में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश काफी बार भारत की तरफ देखता है जब इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने होते हैं और इंडियन असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। और तो और जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आपको पता होगा बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस काफी खराब हैं। यूएसए ने यह कहा है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हैं ये फेयर तरीके से नहीं होते, इस वजह से यूएसए ने थोड़े बहुत सैंक्शंस भी इम्पोज किए थे कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स पर। तो जब ये सब कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी ना तब भी बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ देखा था कि इंडिया हेल्प करेगा हमें यूएसए से बात करने में, इंडिया की लीडरशिप के अंडर हम यूएसए से प्रॉपरली बात कर पाएंगे और हो सकता है कि जो भी सैंक्शंस हैं ये रिमूव भी हो जाएं। और आप सबको यह भी याद होगा कि जब COVID-19 पेंडेमिक अपनी पीक पे था उस वक्त इंडिया ने 2 मिलियन COVID-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये एज ए गिफ्ट दी थी टू बांग्लादेश। तो इंडिया की साइड से आप अगर देखो ना तो बांग्लादेश के लिए जो भी अच्छा हम कर सकते हैं वो हमने करने की कोशिश करी है। और इंडियन पॉपुलेशन में भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश की तरफ कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आपको नहीं मिलेगी। मैं ये कहूंगा हम जरा सोचते नहीं है उनके बारे में, यही कहूंगा थोड़े बहुत इंडिफरेंट है, बट कभी ऐसे देखने को नहीं मिला कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम हार रही हो
और इंडिया में ना लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर देख रहे हो और इंजॉय कर रहे हो कि हाँ बांग्लादेश की हार हो रही है, बांग्लादेश के लोग सैड हैं। नाउ रिसेंटली ना बांग्लादेश में यही हुआ, इंडिया जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बांग्लादेश में हुए थे बड़े स्केल पर सेलिब्रेशंस। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। মেলবোর্ন, সিডনি, পার্থ, ব্রিসবেন কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়, এটা ঢাকা। অজিদের বিশ্বকাপ জয়ের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে। টিএসসি যেন এক খণ্ড আহমেদাবাদ। আভিজাত্যের রং ছাপিয়ে বেদনার রং মিলে আচ্ছাদিত গোটা ভারত। তবে তাদের থোড়ায় কি আর বাংলাদেশের ভক্তদের, নেচে গিয়ে তারা উদযাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অনবদ্য ভক্ত। আজকে হচ্ছে ভারতের জন্য ইডেন্টি চা দেখা গেছে। ফাইনাল ম্যাচে 130,000 দর্শকের এগেনস্ট অস্ট্রেলিয়া জিতল, অবশ্য একা ভালো কাজ করতেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়ার একটা চাঙ্গা চাঙ্গা হচ্ছে, সাকিব চাঞ্জ চাঙ্গা হচ্ছে, ভাই কোন জুলাই গেছে, নাচানাচি মানে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া দল মানে নাচানাচি আর উল্লাস। পাশে থেকে এসেছিলাম বলতে কোচিং থাকি, ইন্ডিয়া হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি হবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। ना बिल्कुल, ये वीडियो बहुत ज़रा अजीब है। कोई भी इसको देखेगा तो ऐसा उसको लगेगा कि इंडिया बांग्लादेश की कोई वॉर हो रखी है इन द पास्ट, या फिर जो इसराइल हमास का बीच में जो इशू है वैसे इंडिया बांग्लादेश का इशू है। जबकि आप अगर देखो दोनों कंट्रीज़ की जो बॉर्डर है ये प्रॉपरली डिफाइंड है, कोई डिस्प्यूट बचा नहीं है, दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशन इंजॉय करती है। बांग्लादेश को लिटरली फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी नेपाल द्वारा वो इंडिया से होकर आएगी। आई मीन हम लोग इतना ज्यादा हेल्प करते हैं बांग्लादेश, उस सब के बाद बांग्लादेश में ऐसी नफरत देखना टुवर्ड्स इंडिया, इट इज क्वाइट शॉकिंग। और मैं देख रहा था कई लोग हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश की एक ऑथर है, कंट्रोवर्शियल ऑथर तस्लीमा नसरीन, इन्होंने ये बात ट्वीट करी थी कि बांग्लादेश का जो यूथ है ये खुश है क्योंकि इंडिया हार गया था। ये लोग इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों है जबकि इंडिया ने लिबरेट करवाया था इनकी कंट्री को, और ये डिपेंड करते हैं ऑन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे हेल्थ केयर हो, एंटरटेनमेंट हो। ये बात भी सही है, इंडिया से बहुत सारी जो मूवीज आती हैं, शोज आते हैं, ये भी बांग्लादेश में काफी पॉपुलर हैं। तो जब इंडिया बांग्लादेश के लिए इतने ज्यादा पॉजिटिव स्टेप लेता है तो बांग्लादेश में नफरत क्यों है फॉर इंडियंस? वेल, इसका आंसर देखिए हमको मिलता है एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगेन देखो, कोई नीचे बिगोटेड कमेंट करेगा कि जी रिलीजन का यहाँ पे इशू है, रिलीजन की वजह से ये सब कुछ। आप देखोगे इंडिया को बहुत पसंद किया जाता है अफगानिस्तान की आम जनता द्वारा, आप गल्फ कंट्रीज में देख लो, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप मलेशिया में देख लीजिए, ओवरऑल जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती। सेम चीज आपको मालदीव्स में भी मिलेगा, वहां पे कोई लीडर आ जाए वो अलग बात है, बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक इंडिया को पसंद करती है। इवन इंडोनेशिया में भी आप देख लीजिए, जो लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इंडिया के प्रति आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा, लोग पॉजिटिवली देखते हैं इंडिया को। तो जो बांग्लादेश का केस है ना, यहां पर देखिए एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसको कहा जाता है द मैक्सिकन सिंड्रोम। नाउ अगर हम वर्ल्ड मैप देखें ना तो यहां पे आप देख पाएंगे ये यूएसए है, यूएसए के नीचे आपको मिलेगा मैक्सिको। नाउ मैक्सिको अपने आप में काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इनकी बड़ी आबादी है, इनकी ग्रोइंग जीडीपी है, बट मैक्सिकन्स हमेशा दबा हुआ फील करते हैं अमेरिकन्स के अंडर। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा भाई सा है हमारे ऊपर बैठा हुआ है, और उनको लगता है कि कभी वो ज़्यादा रीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएस एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी बार ना सेम पैरल्स जो मैक्सिको और यूएस में एग्जिस्ट करते हैं इन्हें अप्लाई करके देखा गया है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में, कि बांग्लादेश के लोग भी ना देखो इंडिया की जो एक बहुत ज़्यादा पावर है रीजन में, जो कंप्लीट डोमिनेंस है, मिलिट्री डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेंस, उसके अलावा इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो सब देखकर काफ़ी बार आप कह लीजिए गुस्सा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया इवन दो फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल में हरा, बांग्लादेशी इसने इंडिया की हार को ज़रा सेलिब्रेट किया है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियाज विन। और एक बार को यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश हमें पसंद करता है नहीं करता, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो सोचना है सोचने दो। देखो मैं ये कहूँगा कि आज के समय एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ना वो जमाने गए जब आप कह सकते हो कि हमें क्या फर्क पड़ता है, आज के समय इंटरनेशनली जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आप पर भी होगा। नाउ बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ वीज़ा फ्री टाइज चाहते हैं। नाउ हमें सच में इसके बारे में सोचना होगा, बहुत ज़्यादा गहरा विचार करना होगा कि अगर बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया को इतना एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानती, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई मामलों में हेटेड सी दिखती है इंडिया के लिए, तो क्या ऐसे कंट्री के साथ हम वीज़ा फ्री रजीम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको बता दूं जो बिमस्टेक कंट्रीज है वहां पर वीज़ा फ्री रजीम की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन देखिए इंडिया के सामने हमेशा रहेगा रिगार्डिंग बांग्लादेश। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से बांग्लादेश के जो लोग हैं ये इंडिया को इतना पसंद क्यों नहीं करते, क्यों आप कह सकते हैं
कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट, तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाए। ओके जी, रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जी इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लुएंस है एशिया में इंडिया का, उस इन्फ्लुएंस की वजह से बांग्लादेश जो है दबाव का शिकार फील करता है, जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया से लाइक महसूस करते हैं कि यार इनका बहुत इन्फ्लुएंस है, और स्ट्रेस फील करते हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना हेट है वो शो करते हैं। यहाँ पे इन्होंने अदर कंट्री की बात की, यहाँ पे ठीक है यूएस के साथ एक और अदर कंट्री की बात की कि वहाँ पे जी, वहाँ पे भी यही चीज़ जो है ना वो होती है। तो अगर सेम चीज़ को अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे हो रही है। वैसे यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ जो है ना ये जिक्र नहीं किया, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेशियों को बकायदा ऐसा सलूक के साथ किया जाता है कि यार इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये पीछे लाइक क्रिकेट के मैदान में वर्ल्ड कप के जो मैचेस हो रहे थे उसमें बांग्लादेशियों को जो किया गया, बांग्लादेशियों को जिस तरह उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया वो देख के पूरी दुनिया, बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया जो है थू कर रही थी कि इंडिया यहाँ पे होस्ट है, वर्ल्ड कप का होस्ट है, इसके बावजूद उनकी जानिब से हरकतें की जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। इस तरह के इंसिडेंट्स एक नहीं बहुत सारे हैं जिसमें बकायदा बांग्लादेशियों को इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। पुलिस जो है वो सपोर्ट नहीं करती, पुलिस जो है वो हेल्प नहीं करती, और इस तरह जो है ना जाहिर सी बात है आप कंटिन्यूसली आपको इंसल्ट किया जा रहा हो तो आप उस कंट्री से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन इन्होंने ये चीज़ें नहीं कही, लेकिन एक चीज़ इन्होंने जो सही कही है वो ये है कि बहुत से लोग इसको मज़हब से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। रिलीजन की ऐसी चीज़ नहीं है कि रिलीजन के बेस पे जो है ना हेट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान है और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ हैं क्योंकि इंडिया को बहुत पसंद करती हैं। वेल यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, आप लोग जो भी ओपिनियन है लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। आप लोग मुझे फेसबुक के पेज पर लाजमी फॉलो और लाइक करें। विल सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।